आप समझ रहे हैं, शेयर करना ज़रूरी है पर राइट बंदे के साथ शेयर करना ज़्यादा अच्छा है। प्यारे खूबसूरत दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। समय हुआ है अराउंड 12 एंड हमारा खाने का समय है। एंड कल मैंने आलू गोभी बनाई थी तो हस्बैंड को अगले दिन आलू गोभी को मैश करके उसके परांठे खाने का बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी ऐसे खाते हैं तो बताना। मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ प्लेन फुलके ज़्यादा अच्छे लगते हैं परांठे के मुकाबले। वैसे मैं ना परांठे की इतनी फ़ैन नहीं हूँ। नॉर्मल दिनों में भी उनको परांठा खाना अच्छा लगता है, प्लेन परांठा। मैं रोटी खाती हूँ। सो जल्दी से बनाते हैं वो एंड हस्बैंड को फीड करते हैं। Don't act like it's so easy. Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing off. I'm gonna tell the truth. It ain't that bad or good. Two girls and W's too. I'll be the last to start and the first to leave. Ooh, I'ma play the part convincingly. I got a lot on my mind, on my shit I'm way behind, but if you check my pages I'm doing fine. You'd think being smart was my. वैसे ना मैं फुल्का बहुत बड़े साइज का बनाती हूँ, ये बहुत छोटा है। सो पत्ती का परांठा चोरी कर लेंगे थोड़ा जा। वैसे मेरे पति ना काइंड ऑफ जोई है, शेयर नहीं करते फूड। शेयर कर लोगे? गर्लफ्रेंड ना छड़ दिंदा, ब्याह त्याग दिंदा, फूड नहीं शेयर कर सकदा। मैं बहुत शौक है खान दा। ओके गाइस, कल हम लोग आइकिया गए थे, आपने देखा होगा। एंड लुक एट दिस, आई गॉट वेरी बिग एंड नाइस चॉपिंग बोर्ड। सो हमारा खाना पीना हो चुका है एंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान डिशवॉशर में ऐड कर देते हैं, फिर लेटर कम काम होगा क्योंकि मैं अपने और डिफरेंट काम करना चाहती हूँ। एंड ऑल्सो एक वीडियो को एडिट भी करना चाहूँगी आज मैं। जल्दी से ये क्लीन अप करते हैं, उसके बाद मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। फ़िलहाल हस्बैंड एंड हिम्मत बाहर गार्डन में से वीड को निकाल। हिम्मत को ना आजकल लेमनेड पीने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड मैंने उसको कहा कि अभी वो वीड निकाल रहा है तो इस हार्ड वर्क के बाद मैं उसको लेमनेड बना के दूँगी। अभी वो और एक्साइटेड हो गया। फॉर सम रीज़न उसे लेमनेड बहुत अच्छी लगती है। लाइक मुझे तो लेमनेड अच्छी लगती है इंडियन स्टाइल शिकंजवी, लाइक काला नमक काली मिर्च जैसी चीज़ें डाल के। उसे लाइक सिंपल गोरा स्टाइल लेमनेड अच्छी लगती है तो उसे वो बना के देंगे वंस वो थक जाएंगे। चाहिए। थोड़ा वार्म पानी ऐड करूँगी मैं ताकि शुगर को मिक्स करना आसान हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा ठंडा कर देंगे। मैं वाइट शुगर यूज़ करूँगी। ये ब्राउन से है, इसका कलर भी ब्राउन हो जाता है बिकॉज़। Did you work enough? Yes. दो ग्लासेस दिस साइज का मैं बिग ग्लास बनाता। Okay, come here and taste. One big glass of straw like it. Like saying one jumbo lemonade right here. One jumbo lemonade is here. Himmat, are you Himmat? Yes. Good. चल जा बाहर जाके पी ले। So मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ कॉफी। I think I don't mind थोड़ा ठंडा, but husband को नहीं अच्छा लगता। वैसे ये कॉफी ना McDonald's या फिर Starbucks या फिर टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि आई कांट हैंडल दिस स्ट्रॉन्ग। सो फार मुझे लगता है मैकडोनल्ड्स एंड टिम हॉर्टन्स की इज़ बेटर। तो हम लोग आ गए बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए। एंड ये बहुत अच्छा प्यारा सा एरिया है, यहाँ से माउंटेन्स का व्यू भी है। एंड उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हम जाएंगे कॉस्को, कुछ स्टफ पिक करना है फालतू। हस्बैंड का फेवरेट स्टोर है कॉस्को, उनको कॉस्को में जाना इतना अच्छा लगता है, आई डोंट नो क्यों। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को कॉस्को बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है उसको जाना। सो आई डोंट नो ये कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, पर उस साइड पे माउंटेन्स है। एंड हिम्मत सेइंग हाई टू रैंडम पीपल। सो मेरे फ़ोन पे तरह तरह मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, देख लेते हैं कि क्या है। सो मैम हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए एंड बहुत सारे काम करने थे और भी हस्बैंड ने स्पेशली। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमने घर आके जल्दी से फूड बनाया, उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की है। आज हमने बनाया है कढ़ाई पनीर क्योंकि पनीर हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है एंड हस्बैंड के दोस्त के लिए भी मुझे डिनर बनाना था। तो पनीर की सब्ज़ी कढ़ाई पनीर के साथ हमने खाया एक फुल्का। एंड अब समय हो गया है नहा सोने का, 9:40 हो चुके हैं। एंड हिम्मत ने नहा लिया है, ऑल रेडी टू स्लीप। एंड आज संडे था एंड मुझे लॉन्ड्री को भी फिक्स करना है जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है, जो ना मैं कर पाऊँगी। हस्बैंड की और हिम्मत की कल हेल्प लेंगे उसको फोल्ड करने के लिए। बट मैं यहाँ पे आई हूँ आपके साथ कुछ प्यारी प्यारी बातें करने के लिए क्योंकि बहुत समा हो गया है कि हमने बात नहीं की है। बहुत समा मतलब कि लाइक बहुत सारे दिन नहीं हुए हैं, सुबह से शाम तक बात नहीं की है, बस एवरी टाइम पास करते रहे हैं। आई होप कि हिम्मत कल स्कूल में शॉर्ट्स पहन पाए क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा ठंडा ठंडा दिन होता है तो मैं सुबह शॉर्ट्स में भेजती हूँ, पैंट ही पहन के जाता है वो। सो अगर कल अच्छा हुआ तो वो शॉर्ट्स पहनेगा। तो हिम्मत की दो चार चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और आपके साथ बात करते हैं। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं आपके साथ मेरे व्लॉग में कोई चीज़ की बात करती हूँ एंड बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप लोग यही वाले मुद्दे पे बात सुनना चाहते थे। ऐसे कोइंसिडेंस होता है, दिल नू दिला दे राह हुंदे आ ना। सो आप कुछ सुनना चाहते हैं, मैंने पता चल जाता, फिर उसके बारे में बात करते हैं हम। ओके, सो ये मैसेजेस आ रहे हैं मेरी ब्यूटिफुल। सो मुझे ना मेरे वैसे तो मैनू कोई फ़ोन मैसेजेस नहीं आते हैं, पर मुझे ये सिमोर लैशेस के चक्कर में काफ़ी सारी बातचीत करनी पड़ती है, तो वही अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। यार मैं ना कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे दिमाग में सामान। बाय द वे मुझे लगता है कि जब ये वीडियो अपलोड होगी हमारी सिमोर शॉप पे ना वो चल रहा है नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमारे simorshop.com में चल रहा है बहुत ही प्यारा ऑफर उन दोस्तों के लिए जिनको लैशेज़ अच्छी लगती हैं। अगर आपको नहीं पता बता देती हूँ कि मेरे पास लैशेज़ हैं 3D फॉक्स विंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है एंड प्राइस बहुत ही जेन्युइन है क्वालिटी के हिसाब से। एंड आज भी मैंने ये बहुत प्यारी सी लैशेस पहन के रखी है। ये है स्टाइल गोवा, हमारे पास अराउंड 10 स्टाइल्स हैं। सो या मुक्ति कल है कि मेरे पास बहुत प्यारी लैशेस बहुत अच्छे प्राइस पे हैं। एंड दिस वीक के लिए हमारी वेबसाइट पे स्पेशल चल रहा है buy 2 get 1 free। सो अगर आप 2 लैशेस खरीदेंगे आपको एक बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आपको कोड यूज़ करना है जून 11 एंड अगर आप 60 से ज़्यादा मेरी स्टोर में स्पेंड करते हैं तो फ्री शिपिंग है। सो दैट्स दैट। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गलत जा रही हैं, लाइक यू नो जैसे हम सोचते हैं कि हमारी चीज़ें हो वैसा नहीं हो रहा है, रॉन्ग वे जा रही हैं, तो कैसे अपने आप को टैकल करना है। क्योंकि जब हम चाहते कुछ और है मिलता कुछ और है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो उसके लिए मैं आपको 2-4 टिप्स देती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी से परेशान है, किसी को हेट करते हैं, तो उसको लाइक वो बंदे की जो रिश्ता है आपसे या जो भी है उसको छोड़ के उसकी सोल के बारे में सोचें एंड उसको फॉरगिव कर दें। तो बहुत सारे लोग वो मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको अच्छे लगेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती है ना, तो थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा आराम करें और ये जो समय आया है वो निकल जाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि सिचुएशन आज जितनी बुरी है इससे बुरा मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, शायद फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा बुरा होगा या फिर ना भी हो, पर ये जो आज ये दुखों वाली रात आप पे आई है वो पास हो जाएगी, ये निकल जाएगी एंड कल सुबह आ जाएगी। ये चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि जो अब समय चल रहा है वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, जो अब इतना बुरा है कल डिफरेंट हो जाएगा। ये इस यूनिवर्स का लॉ है कि अगर सुबह है तो अंधेरा होगा तो सुबह होगी। तो जब सुबह होगी आपको अच्छा फील होगा, ये निकल जाएगा टाइम, इसका भरोसा रखें अपने ऊपर। लाइक ऐसे रखें कि यार निकल जाएगा, इट्स ओके निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आपको लगता है कि ये चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं पर शायद वो राइट हो रही हों, क्योंकि हम कई बार कोई चीज़ें चाहते हैं कि ऐसे हो पर वो वैसे नहीं हो के दूसरी तरह होती है। अभी हमें लगता है कि यार बहुत गलत हो रहा है, पर लेटर आपको पता चलता है कि वो इस तरह हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अब मेरी सिचुएशन उस चीज़ की वजह से बिल्कुल डिफरेंट है। सो आपको लगता है कि रॉन्ग हो रही है, शायद वो राइट हो रही हो। जिस बंदे ने हमें क्रिएट किया है, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, उससे हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए अच्छा एंड बुरा क्या है। कई बार हमें लगता है कि गलत है पर एक्चुअल में वो सही हो रहा होता है। आपको अगर लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास प्लान है, लाइक स्टेप्स हैं कि ये स्टेप लेंगे तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो आपके साथ गलत हो रहा है वो सही हो सकता है। अगर आपके पास कंट्रोल है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है कि आपका इस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं है, आप इसे मैनेज नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं हो सकता है, तो फिर रहने दें, फिर आप चुप करके बैठ जाएं। कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने की, क्योंकि आपका कंट्रोल है ही नहीं उस सिचुएशन में, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। वो वैसे ही होगा जैसे वो होगा, आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। इस चीज़ से तसल्ली दे दें अपने आप को कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कंट्रोल में है तो यू कैन डू इट, इफ नहीं है तो लेट इट गो, वो नहीं होगा। आपकी चिंता करने से, आपके रोने से, दुखी होने से, रोटी छोड़ने से सही नहीं हो जाएगा। सो इस चीज़ को मान ले है कि आज हमें लगता है कि हमारी सिचुएशन दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी है, इससे बुरा हो ही नहीं सकता है, पर कुछ सालों के बाद आप ये चीज़ को देख के हंसेंगे। अभी आपकी उम्र कितनी है, लाइक मैं मिड 30s में आ चुकी हूँ और लाइक मेरे मिड 20s में या मेरे टीनेज ईयर्स में मुझे जो लगता था कि यार वर्स्ट था, और अब मुझे लगता है यार वो है ही कुछ नहीं। लाइक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कुछ साल होते जाएंगे, आपको ये सिचुएशन बहुत छोटी लगने वाली है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपको इस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है, इस सिचुएशन को बेटर बनाने में, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। किसी से मदद ले सकते हैं तो ज़रूर से लें। अगर आपको लगता है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आपको किसी के साथ बात करनी है, सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, तो अपने अंदर मत रखें, क्योंकि अंदर रख के चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। आपको पता नहीं है कि कितना वर्स्ट हो सकता है। तो प्लीज़ किसी के साथ बात करें, उसके साथ बात करें जो आपकी बात सुनना चाहता है। किसी के ऊपर थोपे मत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। येस, कईयों को इंटरेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी में बुरा क्या चल रहा है, उनको बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा कोई बंदा है तो मत बताएं, क्योंकि लेटर वो ये चीज़ें आप ही को हर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है तो उससे बातचीत कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ा स्ट्रेस्ड डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके दिल की बातें भी सुन लेंगे, आपके दिल का सारा वो भी निकल जाएगा और आपके सीक्रेट किसी को पता भी नहीं चलेंगे। और थेरेपिस्ट होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, वो आपको टिप्स भी दे सकते हैं और आपके दिल का सारा जो भी पारा वो भी निकल सकता है। सो जिसके साथ शेयर करना है वो भी बंदा बहुत ही सोच समझ के चूज करे कि कल वो आप ही को ना उसकी तक, मतलब कि वो आप से प्यार करने वाला बंदा होना चाहिए, क्योंकि प्यार करने वाला ही आपके दुख को समझेगा और आपको अच्छा आइडिया देगा। क्योंकि हम हमेशा पेरेंट्स को भी चीज़ें बता बता के परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारे दोस्तों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत सारे दोस्तों मजाक ही उड़ाते हैं और बहुत सारे दोस्तों खुश हो जाते हैं कि अच्छा है इसके घर में कुछ तो बुरा चल रहा है। सो आप समझ रहे हैं, शेयर करना ज़रूरी है पर राइट बंदे के साथ शेयर करना ज़्यादा अच्छा है। लास्ट पर नॉट द लीस्ट ये है कि आपको पता है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है कि कौन बंदा इसमें मेरी मदद कर सकता है, आपने उससे मदद ले ली, आपको ये पता है कि मुझे किसके साथ बात करनी है, उसके साथ बात करें और आप थोड़ा सीट बैक करें एंड सिचुएशन को जैसे है चलने दें। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड कुछ साल बाद आपको ये चीज़ें कुछ लगेंगी भी नहीं। एंड अपना ख्याल रखें, आप अपनी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल, फिजिकल, हर तरफ से आपको अपने आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, कि आपका मेंटल हेल्थ अपसेट ना हो, आपकी फिजिकल हेल्थ को हार्म ना हो। सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचे कि यार मैं ठीक है, जो भी मैं सोच रही हूँ चीज़ें तो जल्दी रहेंगी, आज ये है कल कुछ और आ जाएगा। सो ज़्यादा चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे होनी होती हैं, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मैजिक पावर नहीं है आपके पास कि जो चीज़ें जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हो। सो लेट इट गो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे तो बाकी लोगों का ख्याल रख पाएंगे, अपनी बाकी ज़िंदगी को संवार पाएंगे। सो आई रियली होप कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बार में मुझे बताना। मैं आपको नई वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। हमारे थॉट्स ही हमारी चीज़ें बन जाते हैं, जैसे थॉट क्रिएट करोगे वैसी ही रियलिटी बन जाएगी। You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye, Lalu.